नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ सिर्फ साध्वी माँ को मिलने आई थी। तो ठीक है, कल मैं अपने भक्तों की एक सभा बुला लूंगी। अवश्य। देवी रूप में तो सभी की आराधना होती है, किंतु मनुष्य रूप में स्वयं की पूजा करवाने का लोभ देवी संतोषी को आ ही गया। बस एक बार इनके मंदिर का निर्माण हो जाए, उसके बाद इनके साध्वी छवि को हम कलंकित कर देंगे। देवलोक में तो आप सदैव हमारे विरुद्ध खड़ी रही, किंतु धरती लोक में जाकर आप हमारे उपासक बन ही गई। मंदिर का निर्माण इस महिला का षड्यंत्र है और इस बात से हम अवगत हैं। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि ये प्रस्ताव माने स्वीकार क्यों? आप भी उसी बात से परेशान हैं जिस बात से हमारे अंदर उथल पुथल हुई हुई है। हाँ, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि साधी माँ ने क्रांति माँ की बातों में हामी क्यों भरी। कहीं ऐसा तो नहीं साधी माँ को भी पैसे का लालच आ गया? नहीं, पैसों के लिए नहीं, कुछ भी होगा वो पैसों के लिए ये सब नहीं करेंगे। जितना हम लोग जानते हैं उस हिसाब से कह सकते हैं कि साध्वी माँ औरों जैसी नहीं है। वो लोगों की भलाई के लिए कितना कुछ करती हैं, अपने विचारों से, अपनी बातों से सबकी समस्याएं हल करती हैं जिनमें उनका कोई फायदा नहीं होता। बिना लाभ के ये सब करना पैसों के लिए नहीं करेंगे वो, तो ये और बात है। खैर जो भी है, सच्चाई कल तक सबके सामने आ जाएगी।